जी तो हम पहुंच चुके हैं एडमिराला, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, ये रुकेंगे नहीं, हमें इसके पीछे जाना पड़ेगा। तो ये पानी पे खड़ा है, अगर ये पाकिस्तान वालों ने बनाया होता तो ये अभी तक मैं पानी में होता। इधर कमजोर दिल का बंदा तो खड़ा ही नहीं हो सकता। ओ मुन्नू बड़ा डर लग रहा है, मैं चला जा रहा है पानी के नीचे है मेरा। यार मुझे लगता है कि पहले चल के उधर जाते हैं ना उठाने के लिए, उसकी कमर में दर्द निकल आई है। मुझे क्या पता, आप बताओ। सोचना मैं ही और तो कोई बंदा आया नहीं इधर। खोती तो भाग चुकी है, मुझे भी नहीं पता ये क्यों पड़े हुए हैं। ओ ये तो पत्थर है यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम आ चुके हैं एडमिराला, आप सब लोगों की भरपूर फरमाइश पे। आप लोग कहते थे कि एडमिराला नहीं देखा, एडमिराला नहीं देखा। चलें हम आपको एडमिराला की एक एक चीज़ दिखाते हैं, पानी दिखाते हैं, बताते भी हैं कहाँ से आता है कहाँ जाता है, सारा कुछ आपको बताएंगे। पूरी हिस्ट्री आपको बताई जाएगी आज, आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी आपने पूरी ज़िंदगी ना देखी होगी ना सुनी होगी ना जानी होगी। आए जी हमारे साथ, हमारे साथ रहेगा। वीडियो पहले तो ये देखिए आप बकरी को, ये बकरी पानी में गिर भी सकती है लेकिन ये नहीं गिरेगी क्योंकि ये आदि है, ये आदि मुजरिम है, ये रोज़ करती है, ऐसे ही करती है। इसको देख के आप परेशान ना हो, ये खुद ब खुद ऊपर चली जाएगी, ये परेशान बिल्कुल ना हो। सबसे पहले ये देखें आप आगे हैं, इतनी ठंडी हवा आ रही है, आपकी सोच है बर्फ़ जम गई है। मेरी तो छाती जो है ना वो बर्फ़ से, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब आप क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना यार, मैं वीडियो बना रहा हूँ। भट साहब ये बहुत यकीन माने, इतनी ठंडी हवाएं आपने कभी, मैं कहता हूँ आप अगर मरी गए हैं ना तो मरी पीछे छोड़ दिए यार इन हवाओं ने। बड़ी ज़बरदस्त हवाएं हैं, साइड पे जो है वो पानी चल रहा है और लेफ्ट साइड पे हम चल रहे हैं, दोनों ही चल रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। अब ये 5 किलोमीटर रह गए एडमिराला और हम बहुत करीब हैं। आपकी दिल की धड़कने मुझे पता तेज़ हो रही हैं। ये देखें हम जा रहे हैं, पहुँचने वाले हैं बस। आपने देखा है 2 किलोमीटर तकरीबन है एडमिराला इधर से रह गया है, तो आपको पूरा मजा आएगा वीडियो देखने का, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जी तो हम पहुंच चुके हैं एडमिराला, मुबारक हो आप सबको, बहुत बहुत मुबारक हो। ये देखे पहुंच चुके हैं, पानी की लहरें जो है आवाजें दूर दूर तक जा रही हैं। अभी आप देखेंगे एक एक चीज को, आपको एक एक चीज हम खोल के दिखा देंगे। सबसे पहले आप पानी का नज़ारा करें, पानी का नज़ारा करें आप। हवाएं इतनी की ठंडी हो चुकी है कि ऐसे लगता है कि जैसे जन्नत में दाखिल हो गए, यकीन माने आप। आपको मेरी बात यकीन नहीं आ रहा, आप खुद आके देख लें। ये देखेंगे यहाँ जो है वो आपको बताया जाएगा सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप पानी का नज़ारा करें, यहाँ मशीनों का नज़ारा करें। ये मशीनें हुई हैं, ये बड़े बड़े लगे हुए हैं, ब्लॉकर्स लगे हुए हैं, ये पानी को रोक रहे हैं। नाजरीन तो ये हम आ चुके हैं सियालकोट एडमिराला में। नाजरीन आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ खड़ा हूँ मैं इस वक्त मेन पुल पे खड़ा हूँ, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं ये पकड़ के क्यों खड़ा हूँ। असल में पकड़ के इस वजह से खड़ा हूँ, जब भी कोई गाड़ी गुजरती है तो ये बहुत बुरी तरह वाइब्रेट होता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। अच्छा ये जो पुल है, ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये बनाया गया था 1912 में ये पहली बार बनाया गया था। उसके बाद इसको दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया, जिसे हम कहते हैं कि दोबारा मेंटेन करने के लिए 1968 में जो है वो किया गया। ये एक ब्रिटिश वालों ने बनाया था, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये पुल बनाया, लेकिन अभी तक मजबूत है। इंडिया से सीधा पानी आ रहा है और इसकी रफ्तार आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। नाजरीन इसको रोका जाता है, ये बड़े बड़े बैराज जो आपके सामने देख रहे हैं इनसे रोका जाता है इसको, और यही तय किया जाता है कि कितना पानी आगे आएगा। ये मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, वहाँ एक स्केल लगा हुआ है, उस स्केल की मदद से जो है वो देखा जाता है, तय किया जाता है कि कितना पानी अलो करना है और कितने को बंद करना है, ठीक है। ये काफ़ी सारे हैं इस पुल के ऊपर, काफ़ी सारे हैं, ठीक है, लेकिन मखसूस वक्त में मखसूस खोले जाते हैं, किसी वक्त में एक खोला जाता है, किसी वक्त में दो, पानी की सिचुएशन को देखते हुए इनको खोला जाता है। इधर कमज़ोर दिल का बंदा तो खड़ा ही नहीं हो सकता, इधर तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है इधर। नाज़रीन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बड़ी बड़ी मशीनें किस लिए हैं, ये जो बड़ी बड़ी आपको वायर्स नज़र आ रही है ये किस लिए हैं, तो मैं बताता चलूँ कि ये इनको उठाने के लिए है। ओ मुन्नू बड़ा डर लग रहा है, मैं चला जा रहा हूं, मैं चला जा। भाई साहब वो जो पानी के अंदर वो जो चीज़ें बनी हैं, शायद पता नहीं क्या बना है, वो क्या चीज़ें हैं यार? वो वैसे ना वो पानी को पानी यार मुन्नू नहीं पता कोई भी यार। भाई साहब सुना ही यहाँ को मछली फार्म भी है, वो किधर है? यार मुझे लगता है कि पानी के नीचे है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा पानी के नीचे मछली फार्म बना हुआ है। नाज़रीन तो ये देखें आपको बड़ी शिद्दत से स्पीड से आता हुआ पानी नज़र आ रहा है, ये पानी टकराता है दीवारों के साथ। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ आपको, ये असल में मछली फार्म की एक किस्म है। यहाँ से जो स्पीड से पानी आता है, यहाँ आके टकराता है, यहाँ से जो मछली हैं वो गिर जाती हैं और मछलियाँ जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। कैमरा मैन आपको दिखाएंगे आगे जो है ना मुख्तलिफ जो पहलू से गुजरती हैं, और वहाँ पूरा ये बहुत बड़ा फार्म है बेसिकली, तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप जो है ना मछलियाँ, अब मज़ीद तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मछलियाँ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा
यहाँ से आती है, लेकिन इसमें गंद बहुत ज्यादा आ जाता है अक्सर उकात। इम्तियाज भाई, ये वाला जो रास्ता लिखा हुआ है नो एंट्री और आगे ये ट्रैक है कोई पानी के अंदर तक जा रहा है, ये क्या चीज़ है वाला? यार मुझे लगता है कि पहले चल के उधर जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं ये। इम्तियाज भाई, ये बाकी सारे ओपन है, पानी आ रहा है, इसमें क्यों नहीं पानी आ रहा? असल में पता क्या बात है, इन्होंने ये रोका हुआ था कि ये कचरा जो इधर कचरा पड़ा हुआ है ना, ये कचरा इनको चाहिए था, तो जो बाद में वो लड़का आया ना उठाने के लिए, उसकी कमर में दर्द निकल आई है। और सब कोई भी गाड़ी गुजरती है, पुल बड़ा हिलता है। असल में पता क्या बात है, ये पुल ख़त्म हो गया हुआ है, इसकी बजरी ख़त्म हो गई, ये पानी पे खड़ा है, वो तो मुझे खुद बड़ा डर लगा। मैं इधर क्यों खड़ा हूँ? सर यहाँ किसने रखा है? मुझे क्या पता, आप बताओ। नाज़रीन, आपको बताया यहाँ हर किस्म के बच्चे आते हैं, लोग सैर तफरी के लिए आते हैं, बड़ी बड़ी ट्रिप्स आती हैं यहाँ ना, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल ये यहाँ झूला भी रखा गया है, और ये जहाँ जिस पे कूदते हैं, भट साहब अभी आपको कूद के भी दिखाएंगे, चले नहीं दिखाएंगे ये, और उनके झूलों के लिए कूदना। मैं ही और तो कोई बंदा आया नहीं इधर। नाज़रीन, यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं, कुछ नहाने आते हैं, कुछ खाने आते हैं, कुछ पीने आते हैं, कुछ सैर तफरी के लिए आते हैं, कुछ बच्चे आते हैं, कुछ खेलने आते हैं, कुछ कूदने आते हैं, लेकिन आज एक बंदे से हम पूछना चाहेंगे, उनसे दरियाफ्त करेंगे कि वो कितनी देर से यहाँ आ रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं यहाँ। जी, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे। जी, आप कितनी देर से यहाँ? ये रुकेंगे नहीं, हम इसके पीछे जाना पड़ेगा, ये उधर चलेंगे, वापस आ जाए, मैं थोड़ा सा गाइड कर देंगे, यहाँ मैं रास्ता नहीं आ रहा, प्लीज़ वो ऊपर चलेंगे, चले आप पीछे आएँ थोड़ा सा मेरे, इनसे पूछेंगे कि ये कितनी देर से यहाँ आ रही है। और जी, तो वो भाग चुकी है, उनकी सिस्टर के पास चली गई है वो, तो चलें बस, ठीक है। खोती से मैं पूछ के आया हूँ कि इधर लोग जो आते हैं वो क्या करते हैं, वो कहती है इधर नहाने के लिए लोग आते हैं, जो फारग होता है इधर आ जाता है, हमको तंग करते हैं, हमको घास भी नहीं खाने देते, तो इधर सताप इसलिए वो भाग जाती है बाहर पर। हमने कोशिश की है उसके ऊपर बैठने की, लेकिन वो नहीं बैठने दे रही। उसके मालिक से भी बात की है कि ये क्यों ऐसा कर रही है, वो कह रहे हैं कि ये देखो जो लोग आते हैं वो सही नहीं है, इसको तंग करते हैं बड़ा, इसलिए जो ना वो भागती है लोगों को देख के। आपने परेशान नहीं होना, खोती तो भाग चुकी है, लेकिन इधर के लोग भी ऐसे ही भागते हैं कैमरा देख के, आपने परेशान नहीं होना, हमारे साथ रहना है। नाज़रीन, आप अच्छे से जानते हैं कि सियालकोट हेडमराला कितनी अहम जगह है और कितनी दुनिया में कितना नाम है इस जगह का, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है ये हाल, ये सूरत हाल काफ़ी अरसे से हम देखते हैं कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, और अभी तक ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, यहाँ कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं हुई। यहाँ आप चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी गाँव में चल रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर चल रहे हैं जिसकी कोई वक़्त नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हालाँकि ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंस के अहमियत के हामिल है। बट सब बाकी चीज़ों की तो मुझे समझ आ चुकी है प्रॉपर, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये पत्थर क्यों रखे हुए हैं इन्होंने, ये मुझे ज़रा प्लीज़ बताएं आप। उस्मान भट्ट, ये असल में ना सही बताऊँ मुझे भी नहीं पता ये क्यों पड़े हुए हैं। ठंडा पानी है ये, वो तो बड़ा ही ठंडा पानी है उस्मान भट्ट। उस्मान भट्ट, इधर तरबूज रखा था, मैं चेक तो करूँ यार कितना ठंडा हुआ है ये। यार उस्मान भट्ट, हिल नहीं रहा यार, वो ये तो पत्थर है यार हमारा, तो तरबूज कहाँ गया है, वो तो बह गया है, ये दिखाना है दोस्तों को, ये तो पत्थर है। उस्मान भट्ट, चलो आगे चलते हैं पानी में, कितना मज़ा आना, वो क्या मज़ा है इसमें यार, गया ना तो मुझे पकड़ लेना है। ये जो उस्मान भट्ट है सारे काम मेरे से करवा रहे हैं, आप ही खुद कुछ नहीं कर रहा। ये देखिए, वो मेरा कैमरामैन उस्मान भट्ट आपको दिखाएगा नीचे पानी कितना। चले नहीं चलते हैं हम, हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं, हम दुनिया के दूसरे कोने पे जा रहे हैं अब ना, हमें वाकई दुनिया की अब कोई परवाह नहीं, हम निकल गए हैं। व्लॉग बनाते बनाते ना हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद ही बदल दिया। मज़ा बड़ा आया है। हाँ जी, ये देखिए ना, इस रेत पे अगर आप चलेंगे ना, ये साइडों पे आपको पानी है सारा, ये सारा पानी, सारा दुनिया पानी पानी हुई है, और हम जो है ना दुनिया से बेखबर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोज़ा अफ्तारी का टाइम हो गया है, तो हम रोज़े का खोलने का जो बंदोबस्त है वो कर लिया हुआ है हमने, तो उस्मान भट्ट दुआ करेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक, इस रोज़े के सदक़े मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मेरे साथ मेरे मामू भी हैं, इनके भी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, तेरी दुनिया में हम सैर करने आए हैं, तेरी दुनिया को देखने आए हैं, या अल्लाह तू गफूर रहीम है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या शान है, तेरी नेमतें मेरे सामने पड़ी हैं। या अल्लाह, इन नेमतों के सदके, अपने नबी पाक के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और या अल्लाह हमें इस दुनिया में और अगली दुनिया में कामयाब
पर कामना अता फरमा दे। और या अल्लाह जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वक्त, हमें देख रहे हैं, या अल्लाह हमारी इस दुआ के सदक़े, हमारे इस रोज़े के सदक़े, या अल्लाह उनकी भी तमाम जायज़ हाजात और दुआएँ कबूल व मंजूर फरमा, आमीन। आप भी अपना रोज़ा अफ्तार कर लें। दोस्तों, भाइयों और बहनों, उम्मीद है आपको ये ब्लॉग बड़ा पसंद आया होगा। हमने कोशिश की है कि आपको हेडमराला की तमाम जगहें दिखाएं ताकि आप इंजॉय कर सकें, और हम हाईली रिकमेंड भी करते हैं कि आप अगर आना चाहते हैं हेडमराला तो आप ज़रूर आएँ, ठीक है, और इंजॉय करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना आप, ये ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।